और वही पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ने से जहां आम जन की जेब ढीली हो रही है, तो वहीं किसान सिंचाई के लिए परेशान हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर हर तबके पर पड़ रहा है। 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या चुनाव में महंगाई का मुद्दा उठेगा? हमारे सहयोगी ने आम जनता से बात की, लोगों ने क्या कहा सुनिए। देश में त्योहार का मौसम आ रहा है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं वो लोगों को बेचैन कर रही हैं। एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तकरीबन कल जो है आज की डेट में 34 पैसे का जो है पेट्रोल में जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। 105 रुपये का पेट्रोल गोंडा जिले में बिक रहा है। कल इसकी कीमत जो थी वो 34 पैसे कम थी, लेकिन आज बढ़ गई है। अब ऐसे में यहाँ पर लोग जो है पेट्रोल डलाने आ रहे हैं, और पेट्रोल भैया ये बताओ कितना बढ़ गया पेट्रोल? कोई बात नहीं, महंगाई नहीं है भैया। आप बताइए कि दिवाली का सीजन चल रहा है, खरीदारी कर रहे हैं आप, निकल रहे हैं पेट्रोल कैसे? कितना खर्चा मतलब बोझ इसका पड़ रहा है? भैया ये बताओ पेट्रोल कितना असर पड़ रहा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा। किस तरह से? अब से पहले था 70-70 रुपये लेकर, अब डेली के डेली पल्ले बांधते ही जाते हैं। लोग परेशान होंगे, डलाते डलारा कैसे हो रहा फिर? अरे क्या बताएं, बहुत परेशान है, मुसीबत है। कीमतें बढ़ती हैं और उसका असर जो है लोगों की जेब पर पड़ता है। भैया ये बताओ कितना पेट्रोल डला? 100 रुपये। पहले कितना डला लेते? पहले 100 में 1.5 लीटर। और अभी जब कीमतें आज फिर बढ़ गई हैं तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए प्रदेश में जब चुनाव? लोगों को महंगाई जो है काफी परेशान कर रही है, और क्योंकि जो है ये दिवाली का त्यौहार भी, ऐसे लोग घरों से निकल कर खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन्हें पहले अपनी गाड़ियों में ईंधन के तौर पर पेट्रोल और डीजल भरवाना होता है। लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ रही है, डीजल की कीमतें भी 58 रुपये हैं, उसमें भी 24 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। ये कहीं ना कहीं जो है ये आम लोगों की ज़िंदगी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, और जिस कारण से बढ़ती महंगाई जो है वो लोगों को कहीं भी राहत नहीं, उनके लिए एक मुसीबत का सबब बन रही है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़।